जागरूक करे के बाद ऐसे तो लोग माने वाला नहीं खे, लेकिन सब को जानता कि दारू शराब गंजा से मैंने कैंसर होला, तो यही पर लोग पिए ला का है कि जागरूक नहीं खे, जानता लेकिन जागरूक नहीं खे। हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जा बताए और सिखाए हैं सर, तो आइए हमने के देखिए वो नाटक बा, और अगर अच्छा लगे तो ताली के गुरुहार से हमने के तने हौसला बुलंद करें, धन्यवाद। अरे अरे देखो सर अभी आ गए, देखो कैसे नाच रहा है। अरे भैया अब रोज पीकर क्यों चले आते हैं, घर की हालत में खा देखत, माई बीमार रहती है, बाबू जी अकेले काम करे नी, घर में कर्जा भइल जाता तारा पियला के चलते तू रोज पी के घरे चलो तारा, आई तारा सेहतो घाटे अच्छा नहीं खे। क्या करी चार दिन की जिंदगी पर एंजॉय करके जिये, पूरा बढ़िया से एंजॉय करके जिये, बा इतना सब चीज बर्बाद हो गई तारा चलते, घर द्वार जमीन बेचा था तारा चलते, तारा बुझा था ही नहीं के। क्या करी हम बिना पीले हमारे काम नहीं चलत, काहे ना तू कोशिश तो करा छोड़े के। अरे भैया क्या भाई, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, भैया के देखी अचानक बेहोश हो गई, पी के आई रही है यहां पे, रोज आके झगड़ा कर रही है, बेहोश हो गई, देखी तो इनका तो लीडर ही गया, खत्म हो चुका है, भगवान अब हमारे भैया ना रही है, भैया ना रही है, देखिए गांव के होनहार लड़का गलत लोगों के संपर्क में आके बर्बाद हो गया है। आप लोग से भी निवेदन करते हैं अपने बच्चों को ध्यान रखिए, शराबियों से बचा के रखिए कि कहीं लड़का आपका न जाए, किसी के संपर्क में न आए। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये तो मरना ही था, ये तो होना ही था। लोग सिगरेट के अलावा कहला कि हम देखते हैं कि उससे पहले कैंसर का ऐड आता है, जिससे लोगों को पता चले कि नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये हम लोग के लिए बहुत अफसोस की बात है कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े एक्टर जिनके पास आज करोड़ों की कंपनी है, जो दुबई के ब्रांड एम्बेसिडर है, वो लोग आज गुटखा का प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि गुटखा खाओ, बिमल बोलो जुबा केसरी, बताइए ये बात कहाँ तक सच है। जब वो बड़े बड़े एक्टर आप लोग को प्रमोट करेंगे तो बच्चा लोग वही देख के सीखेगा कि मेरा पसंदीदा हीरो अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान ये लोग प्रचार कर रहा है गुटखा का, हम भी खाएंगे, फिर बड़े होकर के ये लोग को ओरल कैंसर हो जाता है, बताइए इसके जिम्मेदार कौन है, वही बताइए। वो लोग को तो कुछ नहीं है, वो लोग को पैसे मिले, वो लोग तो कभी खाते नहीं है, विराट कोहली 2M का प्रचार करता, वो कभी चिप्स नहीं खाता,
वो स्पोर्ट्स पर्सन वो कभी चिप्स नहीं खाता है, वो तेल वाला चीज को हाथ नहीं लगाता है। लोग लेकिन प्रचार के लिए सिर्फ पैसों के लिए आप लोग को गुटखा प्रमोट करा कि आप लोग गुटखा खाइए। तो इस वजह से अपने बच्चों को ध्यान देना, इसका देखना बहुत जरूरी है कि कहीं आपका बच्चा कहीं गुटखा खा के खैनी खा करके उन लोग का मुंह खराब ना हो जाए, उन लोग को कैंसर ना हो जाए। क्या होगा ये जो है जो भी गुटखा शराब या हम कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, चरस या अफीम खाते हैं, इसमें कोई अमीर नहीं मरता, गरीब ही मरता है। आपने देखा होगा हमेशा न्यूज में आते रहता होगा कि एक छोटे से गरीब बस्ती में जो है 20 लोग शराब पीने से मर गया, 20 लोग कैंसर हो गया। तो कोई अमीर नहीं मरता है, अमीर तो उसके पास इलाज करने के पैसे हैं, कुछ दिन बच जाता है, पर वो भी नहीं बचेगा। ये बीमारी ला इलाज है। और किसी को माउथ कैंसर हो जाता, मुंह का कैंसर हो जाता है, किसी को जो है फेफड़े का कैंसर हो जाता है, किसी को यकृत का कैंसर हो जाता है, तो बचता नहीं है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जो है वो गुटखा शराब से बच्चों को दूर रखें। और हमारे आपकी बस्ती में हम पहली बार देखने के लिए आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हम लोग की हौसला अफजाई की। हमारा आप लोगों को देख के हमको अच्छा लगा कि आपने हमारा हौसला अफजाई की, और बच्चों को भी ये लगा कि आप बहुत दिनों पढ़ने का मजा आया। तो आप लोगों को मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने बच्चों को, और अब बस आप लोग ये कीजिए अपनी बस्ती में जो है साफ पानी पिए। आधी बीमारियां जो बीमारियां होती है इंडिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें जो होती है गंदा पानी पीने की होती है। और दूसरा जो कारण था जो गरीब बस्तियों में लोगों की मौतें होती है नशा करने से होती है। जो अपने अपने जो अपने शौहर है, हस्बैंड है, या आपके बच्चे हैं, या बाबा हैं आपके, या छोटे बच्चे हैं, उनको नशे से दूर रखें। ये लाइलाज बीमारी है और उसको फायदा है नहीं। और बच्चा जो 10 रुपया गुटखा खाता है 10 रुपया दूध पी ले, सेहत ही बनेगी, पुलिस में बनेगा, अधिकारी बनेगा,